अल्लाह की नजर में अल्लाह ने आपको जन्नती बना दिया। ये मदरसा कुव्वतुल इस्लाम का जो तारुफ हमने मुफ्ती साहब से सुना और यहाँ 1963 से यह मदरसे की बुनियाद रखी गई और माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों ने इसमें ताउन किया, खिदमतें की, अल्लाह सब की खिदमत करने को कबूल फरमाए और ये कुरैशी महल्ला को अल्लाह कबूल फरमाए। ये निस्बत कुरैशी भी बहुत ऊँची निस्बत है, अल्लाह इस निस्बत पर हम सब की मगफिरत फरमाए। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने हमको माफ़ करने के वास्ते ही बुलाया है, अल्लाह ने रहमत के वास्ते बुलाया, बोलो इंशाल्लाह, अल्लाह ने मगफिरत के वास्ते बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला कुछ देने के वास्ते बुलाया। सबसे पहली बात तो रजब महीना, बोलो कौन सा महीना, रजब महीना यानी मेराज वाला महीना, बोलो कौन सा महीना, मेरा वहाँ पूरे रमजान का महीना तो इतना प्यारा महीना, ये महीना मेराज वाला महीना, बोलो सुभान अल्लाह, शाबान महीना बरात वाला महीना, बोलो सुभान अल्लाह, और रमजान महीना इतना प्यारा महीना कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया जिसको रमजान के पहले 10 दिन नसीब हो गए समझो अल्लाह ने रहमत का दरिया उसको अता फरमा दिया, जिसको रमजान के दूसरे 10 दिन भी मिल गए मगफिरत की झोलियां भर गई बोलो सुभान अल्लाह, और जिसको आखिरी 10 दिन मिल गए हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मेरे उम्मतियो अल्लाह ने सबको जहन्नम से आजाद कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قال رسول الله صلى الله عليه وسلم भाई दरूद नहीं पढ़ते जरा प्यार मोहब्बत से قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के पहले 10 दिन रहमत वाले बोलो सुभान अल्लाह, दूसरे 10 दिन मगफिरत वाले बोलो सुभान अल्लाह, तीसरे 10 दिन जहन्नम से आजादी वाले सुभान अल्लाह, और रजब महीना शाबान महीना रमजान महीना ये 3 महीने में सुधर गए तो सुधर गए, और 3 महीने में नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे मेरे प्यारों। 8 लाख हदीसों में एक हदीस ऐसी मिलती है जिसमें तीनों मुबारक महीने का जिक्र साथ में आता, बोलो कौन कौन सा महीना, रजब शाबान और रमजान। अल्लाह ताला तीनों महीने की कदर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को आवाज आ रही है ना, बस रहे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो सुबह से कर लिए होते तो अच्छा होता। खैर हम सब यहाँ पर जमा हैं, पहले कहो आमीन कहो अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। और बहुत एक अजब मामला है मेरे प्यारों, बहुत अजब मामला है, जैसा मैंने आपको कहा ना कि एक तरफ खुशी का मामला है ये रजब महीना हमको मिला अल्लाह के घर में बैठे बोलो सुभान अल्लाह, और ये बच्चा हाफिज अर्शिल जिनको मौलाना मुफ्ती साहब ने दुल्हा कहा, मैं कहता हूँ दुल्हो का दुल्हा, इसलिए कि अल्लाह की कसम जो शादी पर खुशी नहीं होती है वो हाफिज होने पर खुशी होती है, क्योंकि शादी पर मेरे प्यारों एक औरत मिलती है एक दुल्हन मिलती है और एक दुनिया का मकसद हल होता है, और जो हाफिज हो जाता है वो अकेला खुद नहीं अपने पूरे खानदान के लिए जन्नत का फैसला करवा देता है। तो वाकईतन हाफिज अर्शिल साहब हमारे दुल्हे हैं इस वक्त, और रजब महीना भी है और मेरे प्यारो उलमा किराम का मजमा भी है और मदरसा कुव्वतुल इस्लाम भी है और कुरैशी किस्मत भी है, बस अल्लाह को एक को बहाना बनाकर आज हम सबकी मगफिरत फरमा दे। चलो मैं बात शुरू करूँ क्योंकि देखो बहुत सारी बातें करना है, तो आज के हालात पर बातें करना है, नंबर 2 रजब पर बातें करना है, नंबर 3 मेराज पर बातें करना है, नंबर 4 हाफिज अर्शिल पर बातें करना है, नंबर 5 कुरान के फजाइल पर बातें करना है, नंबर 5 मदरसा कुव्वतुल इस्लाम पर बातें करना, और मेरे को टाइम ये भाई ने दिया सिर्फ 10 बजे तक, 1 घंटे में क्या कर। मैंने इसको धीरे धीरे समझाया 10 बजे, मैंने फिर इसको कहा भाई मुफ्ती साहब कुछ आगे बढ़ जाए ना, कहा 10 बजे, फिर धीरे से मेरे को कहा कि मेरी बीवी ने कहा है कि 10 बजे, मैंने कहा वहाँ तो सबकी हालत खराब हो जाती है, हम मुफ्ती साहब कुछ आगे बढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इनको सामने से हटाया, मतलब 10 बजे के लिए आगे निकाले कहीं से बेहतर के साइड पर बैठे। मेरे प्यारो आज ये कोरोना डेंगू चिकनगुनिया आसमानी मुसीबतें जमीनी मुसीबतें, हाँ गर्मी हो तो भी परेशानी, ठंड मौसम आया तो भी परेशानी, बारिश आई तो भी परेशानी, ना बारिश आए तो भी परेशानी, ये सारी परेशानियों का हल मेरे प्यारो अल्लाह की कसम हम कुरान से डायरेक्ट पूछे, कुरान ने फरमाया 2 बातों पे अमल कर लो सब परेशानी खत्म होगी, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी आखिरत भी तेरे कदमों में होगी, बोलो सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। कितने काम करना हमको, तो आज सबसे बुनियादी काम यही है कि ये बहुत हालत ये लॉकडाउन के बारे में हम सुन रहे हैं, और आपको मालूम है गया रमजान हमारा ऐसा गया कि हमको रमजान लगा ही नहीं, क्योंकि आपको सीधी बात मालूम है कि बाप गुस्से होता है ना तो बेटे को घर से निकालता है, शोहर गुस्से होता है तो बीवी को घर से निकालता है, और अगर कोई सेठ गुस्से होता है तो नौकर को धक्का मार के निकालता है। मेरे प्यारो आप कुछ भी कहे गया रमजान अल्लाह ने हमको घर से निकाल दिया, किसकी हिम्मत थी जो मस्जिद के ताले खुलवाता, अल्लाह ने हमको निकाला, और अल्लाह का घर का मालिक कौन,
अब ये मत कहना कि हुकूमत वालों ने किया, फना पार्टी ने किया या यूं किया। भाई अल्लाह का करे, आज भी अल्लाह ने काबे का दरवाजा हमारे वास्ते बंद रखा है, अल्लाह ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार बंद रखा है, जिसका साफ मतलब है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे नाराज है और हमारे मुस्तफा भी हमसे नाराज है। इसलिए मेरे प्यारो, दो काम के लिए तैयार हो जाओ, कसम अल्लाह की, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, बोलो इंशाअल्लाह। और ये कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अल्लाह को पूछो ना भाई, मेरे को कोई पूछेगा कब दुनिया मेरे को मिलेगी, कब आखिरत मिलेगी, मालूम नहीं मैं क्या कहूंगा, आप क्या कहेंगे, और मेरे कहने में गलती होगी, आपके कहने में झूठ होगा, लेकिन ये पूरा मजमा साथ में बोले, अल्लाह के कलाम में गलती, अल्लाह के कलाम में शक, अल्लाह के कलाम में कोई शुभा, अल्लाह के कलाम में कोई मिस्टेक, अल्लाह के कलाम में कोई झूठ नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मेरी किताब से बढ़कर कोई सच्ची किताब है। मेरे साथ में पढ़ो ना, सबको याद है, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पूरा मजमा बोले, अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे मेरा कलाम इतना सच्चा कलाम, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई शक, उसमें कोई शुबा, उसमें कोई गलती, उसमें कोई मिस्टेक। तो हमने अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये सब हालात हो रहे, कभी कोरोना के हालात आए, कभी कोविड के हालात आए, कभी डेंगू के हालात आए, कभी चिकनगुनिया के हालात आए, अल्लाह इन हालात से बाहर कैसे आना। अल्लाह ने फरमाया, आज की बात नहीं, मैंने 1400 साल पहले से ये बता दिया, दो काम कर ले, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी कलमा वाला, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाते, बंदा हो या बंदी हो, ये दो काम करने कौन कौन तैयार आज भाई। ये कुरैशी मोहल्ला आपके ऊपर खाक की बात, मैं तो यहाँ सुने सुने खबर आया। इसलिए आज का सबक तो एकदम पक्का, इंशाअल्लाह पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन हम जब वादा करेंगे तो वादा पूरा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तैयार है, दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें सबसे पहला काम और दूसरा काम, मैं नहीं कहता, डायरेक्ट कुरान, बोलो डायरेक्ट कुरान, 12:14, बोलो 12 नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ذكرين أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله، اللہ کا کلام سنے اور سبحان اللہ نہیں بولیں گے، اچھا نہیں پڑھا میں، बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलते ना, जन्नत में अल्लाह पौधा लगा देता, जरूरत होवे तो बोलो, नहीं जरूरत होवे तो जाने दो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा कोई कलमा वाला बंदा या कोई कलमा वाली बंदी सबसे पहला काम करे, वह हुआ मुमीन, अल्लाह पर यकीन रखे कि करने धरने वाला कौन है, एक बात ये। दूसरी बात अल्लाह फरमाते, मन अमिला सालिहा, और सालिहन की तफसीर में लिखा, जिसने मुस्तफा के दामन को थाम लिया। बोलो सुभान अल्लाह। जिसका मतलब है, जिसने अल्लाह पर यकीन कर लिया, करने धरने वाला बोलो कौन, अल्लाह ही, हमें खिलाने पिलाने वाला कौन, अल्लाह ही। और नंबर दो, जिसने मुस्तफा का दामन थाम लिया, अल्लाह फरमाते, फलनुहियन्ना। ये अरबी ग्रामर वाले जानते हैं, उलमा जानते हैं, यहाँ अरबी ग्रामर काम करता, लाम ताकिद बानून ताकिद सकीना, यानी अल्लाह फरमाते, जरूर जरूर मेरी कसम, दो काम कर ले, मुझ पर यकीन जमा ले, मुस्तफा का दामन थाम ले, अल्लाह फरमाते, मेरी कसम, यकीनन दुनिया भी तेरे कदमों में होगी और उससे बढ़कर आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। तो कौन कौन तैयारी है, दो काम के लिए पक्का वादा करने का, कुरैशी महल्ला माशाल्लाह, पक्का वादा। नंबर एक, करने धरने वाला कौन, अल्लाह। अच्छा, अल्लाह जब करने पर आए तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। हम अभी अभी हम सोचते कोरोना कोरोना, मेरे भाई कहता मौलाना कोरोना कब जाएगा, मेरे भाई जब तू जाएगा। हैरान हो गया, कहा ये कैसी बातें करते मौलाना, आपको तो मेरी उम्र की बरकत देने का। मैंने कहा भाई अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे दे, लेकिन जो अल्लाह बड़े से बड़े पहाड़ों को पैदा करने वाला, आसमानों को पैदा करने वाला, जमीनों को पैदा करने वाला, और अल्लाह ने जो अपनी कुर्सी
पैदा की ना कुर्सी का कहा जाता तफसीर की किताब अमेरिका के सात आसमान और सात जमीन और अल्लाह की कुर्सी को सामने रखे तो सात आसमान एक छोटी सी अंगूठी के बराबर है, सात जमीन एक छोटी सी अंगूठी के बराबर है, तो कुर्सी कितनी बड़ी होगी जो सातों आसमानों को पार की, सातों जमीनों को पार की। जब कुर्सी इतनी बड़ी है तो कसम अल्लाह की कुर्सी वाला कितना बड़ा होगा। उसी को अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में फरमाया, आयतुल कुर्सी याद है ना आपको? हाँ या नहीं भाई? मैं कोई निकाह थोड़ी कबूल करवाता है। आयतुल कुर्सी बहुत सबको याद थी, घर में फ्रेम लगी लेकिन याद नहीं। आयतुल कुर्सी याद नहीं, कुर्सी याद है। कुर्सी समझते हो? हाँ, मेरी कुर्सी, मेरा दर्जा, मेरी शान, मेरा मकाम। अरे आयतुल कुर्सी पूरे कुरान में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी हमद बयान की, अल्लाह ने तारीफ बयान की। अगर अल्लाह पूरे कुरान में हमद और तारीफ बयान न करता, सिर्फ आयतुल कुर्सी अजमाउ आयतिन फिल कुरान, पूरे कुरान में सबसे मजबूत अगर कोई आयत हो तो बोलो वो आयतुल अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह फरमाते कोई माबूद नहीं, बोलो ना हम सब का माबूद कौन? अल्लाह। वो जिंदा भी है, बोलो बेशक। वो हमारी निगहबानी करने वाला, बोलो बेशक। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम। अल्लाह को कभी झोंका भी नहीं आता, कभी सोते भी नहीं। अल्लाह को झोंका आता? अल्लाह कभी सोते? अल्लाह क्यों नहीं सोते आप? हम सब सोते, अल्लाह क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने फौरन जवाब दे दिया, लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द। अल्लाह ने फरमाया मेरे एक हाथ में सात आसमान, एक हाथ में सात जमीनें हैं, अगर मैं सो जाऊंगा तो इसका निजाम कौन संभालेगा? बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह का रौब दबदबा कैसा? मन अल्लज़ी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह फरमाते मेरा रौब और किसकी मजा ले जो कयामत में मेरे सामने जबान भी खोले? किसी की मजा ले जो अल्लाह के सामने जबान खोले? नहीं, लेकिन हाँ हाँ, अल्लाह फरमाते इल्ला बिइज़्निही, एक शख्स को मैं हुक्म दूंगा वो जबान खोलेगा, और वो कौन है? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब हमारे नबी जबान मुबारक खोलेंगे और अल्लाह कहेंगे मांगो क्या मांगते हो, तो हमारे नबी मांगेंगे अल्लाह कुछ नहीं मांगता, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा दे। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह का इल्म कैसा है? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ। अल्लाह फरमाते आगे के हालात भी बोलो, जानने वाला कौन? अल्लाह ही। पिछले हालात को जानने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मेरे प्यारो, सारे इल्म के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन? अब सुनना, अब मैं आ रहा हूँ। वसिया कुर्सीहु समावाति वल अर्द। सातों आसमान एक अंगूठी के छल्ले के बराबर, सातों जमीन एक अंगूठी के छल्ले के बराबर। अल्लाह की कुर्सी कितनी अजीम होगी जो सातों आसमानों से और सातों जमीनों से भी बड़ी है। जब कुर्सी इतनी बड़ी है तो कुर्सी वाला कैसा होगा? वसिया कुर्सीहु समावाति वल अर्द वहुवल अलीउल अज़ीम। जब कुर्सी इतनी बड़ी होगी तो कुर्सी वाला बुलंदो बाला होगा, वो कौन? बोलो हमारा। सबसे पहले इस पे यकीन रखना भाई, करने धरने वाला कौन? भाई अब दरवाजे यहाँ भी बहुत जगह खाली है, कोई आता हो तो इधर बाई तरफ भेज दो उनको, बाकी को बाहर भेज दो, दरवाजे बंद कर दो। मैं तो गोदरा में सही में क्या नाम मौलाना मौलाना सलमान साहब, मैं तो घबरा गया। मालूम ही नहीं था, अभी इस बेचारे को नहीं मालूम, इसकी बीवी भी नहीं है, अकेला है, कोई लड़की देता नहीं है। मुझे कहा कि कुछ मौला तावीज दे दे, मैंने कहा काय को दुखी होता, मेरे को बोलता तावीज दे दे मेरी शादी हो जाए, मैंने कहा काय को दुखी होता, हम तो डूबे,
काय को तुम्हें डुबावे शादी के बड़े उतावले क्या कुरेशी मेले में है उतावले ये हाँ देखो तेरा चेहरा बता दे ये नहीं ये 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 जो लड़का है लड़का इतना होशियार है अपना बोझ इसके ऊपर डाल दिया बाकी शादी का मामला इतना ये सभी पे जमा कर तैयार था मैंने बयान में मैंने देखा हमारे मौलाना हबीब साहब काम करते वाले वो जो समूह लगन करते हैं ना तो 1100 समूह लगन अभी मेरे को गया मैं अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद में था मुझे कहा 1500 समूह लगन मैंने कहा वाह भाई इतनी इतनी शादी कराना पठान तुम्हारी हिम्मत और कुरेशी महीने का क्या मतलब बाकी अपना काम नहीं 1100 एक साथ में शादी कराना लेकिन यार शादी के इतने उतावले इतना जल्दी होता एक मतलब अपने टीचर था टीचर से मतलब टीचर प्रोफेसर प्रोफेसर वो अपने स्टूडेंट को बड़े गुस्से में बोलता है आगे चल के क्या करोगे शादी कर टीचर का दिमाग गया गुस्से में कि मैंने ये थोड़ी पूछा था मैं ये पूछ रहा हूँ आगे चल के क्या बनोगे दूल्हा बनूंगा और गुस्से हुआ ये नहीं कहता आगे चल के क्या हासिल करोगे दुल्हन हासिल कर वो टीचर का दिमाग गया उसने थप्पड़ मारा जोर से कि मैं ये थोड़ी पूछता हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ तुम अपने माँ बाप के लिए क्या करोगे कहा बहू लाऊंगा कहा इसी बात नहीं है माँ बाप के लिए कोई कीमती चीज बताओ आगे बढ़ के क्या करोगे कहा बच्चा और पोता पैदा होगा अब मास्टर ने जोर से धक्का मारा चल निकल जा तेरा क्या जिंदगी का मकसद है चल निकल जा और मेरी जिंदगी का मकसद हम दो हमारे दो अब सोचो कितना उसके दिमाग में शादी घुसी हुई होगी क्या आप लोग सोचते हो कि मैंने ये क्यों सुनाया मैंने तवा गरम किया रोटी पकाने आ रहा आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से फिर एक मरतबा बोल दो ना कि जो कुछ हो रहा है और होने वाला है करने धरने वाला कौन सब कुछ करने धरने वाला कौन अल्लाह मेरे साथ में पढ़ लो ना एक मरतबा सबसे बड़ी ताकत वाला कौन पूरा मजमा बोलेगा ना हम सबका पैदा करने वाला कौन अल्लाह ही हमारा खालिक और मालिक कौन बोलो अल्लाह ही हम सबका बादशाह कौन बोलो अल्लाह ही कुद्दूस कौन बोलो अल्लाह ही सलाम कौन अल्लाह ही मोमिन कौन अल्लाह ही मुहैमिन कौन अल्लाह ही अजीजो जब्बार मुतकब्बिर कौन बोलो अल्लाह ही सारी दुनिया का पैदा करने वाला कौन बोलो इतने बड़े अल्लाह जब आसमान जमीन अल्लाह की कुर्सी के सामने क्या है अंगूठी का छल्ला तो सोचो कुर्सी कितनी बड़ी होगी और कुर्सी वाला कितना बड़ा होगा तो हम अल्लाह के सामने तो राय के दाने के बराबर भी नहीं हुए पर हम क्या हुए अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं हुए लेकिन होशियारी बहुत होशियारी हमारे लॉकडाउन हुआ कोरोना आया कितने जनाजे उठे मुफ्ती साहब कितनों को तो घुसन का मौका भी न मिला कितने जनाजे हमारे यहाँ पे जला दिए गए कितनों को बाप को बेटे का दीदार न मिला बेटा बाप को न देख सका कोई पोता दादा को न देख सका हजारों जनाजे हुए हजारों मौतें हुई हजारों जनाजे की नमाजें हुई हजारों कफन के कपड़े लाए गए हजारों को दफन किया गया लेकिन अल्लाह की कसम लॉकडाउन से पहले जो हम बिगड़े थे लॉकडाउन के बाद भी वैसे ही बिगड़े हम ये इंतजार करते अल्लाह वो मरम में थोड़ी मर आज ये पहली मरतबा गोदरा गोदरा बहुत जमाने से रहता हूँ पहली मरतबा गोदरा आ रहा हूँ मेरे साथी जो 30 साल तक मेरे साथ में थे मरहूम मौलाना उस्मान साहब जिसको आप सब जानते हैं उनके बेटे मौलाना नौमान यहाँ पर बैठे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए ये कोरोना में और कैसे अचानक प्यारे हो गए 24 घंटे के अंदर साबिर और शाकिर बनकर अल्लाह के दरबार में चले गए दुआ करो अल्लाह सब मरहूमिन मरहूमा को शहादत का मरतबा अता फरमाए अल्लाह सारे मरहूमिन मरहूमा की करवट करवट मगफिरत फरमाए लेकिन ये सब होने के बाद भी हमारे अंदर क्या बदलाव है हम अल्लाह से डरे चलो मेरे को एक बात बोलो अल्लाह से डरते हम लोग डरते अल्लाह से डरते पर डरना भी क्या अगर अल्लाह
साहब से हम डरे ना तो बड़े बड़े दो इनाम, बोलो साहब पे बोलो बड़े बड़े कितने इनाम। पूरे कुरान में अल्लाह ने 35 मरतबा फरमाया, पूरे कुरान में अल्लाह